नमस्कार, मैं हूं सरवन यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ और जैसा कि आपको हम कल न्यूज़ के माध्यम से दिखाए थे, प्रियंका यादव जो कि पटना यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष पद पर चुनी गई है, जैसे ही इसकी सूचना इनके गांव वालों को मिली, इनके जिले वासियों को, इनके अगल बगल वालों को लगी, ये सभी लोग आ गए, कोई गुलदस्ता लेकर तो कोई मिठाई लेकर तो कोई अंग वस्त्र लेकर। तो उन्हीं में से यहाँ के जो सबसे फेमस टीचर हैं रंजन जी और हमारे काफ़ी करीब हैं, ये भी गुलदस्ता के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आइए इनसे दो चार लाइन जानते हैं। तो स्वागत है समय चल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरवण भैया। आपके बगल गिर है, आपसे ज़्यादा दूर नहीं है और पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर चुनी गई है, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम तो अपने तरफ से अपने कोचिंग के माध्यम से इन बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं कि अपने बारून क्षेत्र का नाम पटना में कर रही हैं। आप इन्हें बचपन से जान रहे हैं, उन इनके बारे में तो चैलेंज बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे पास दो मंथ पढ़ी भी थी हमारे कोचिंग में, उसके बाद नवोदय विद्यालय में मैट्रिक के बाद इंटर में नवोदय में हो गया था, तो चली गई थी। फिर नवोदय के बाद जब वहाँ से फाइनल की तो उसके आगे वहाँ पर जाकर बचपन सब जान रहे हैं, तो इनके आप इनके हर एक एक्टिविटी से आप वाकिफ होंगे। तो ये शुरू में पढ़ने में कैसी थी, मतलब नटखट थी या बस ऐसी टाइम पास कर रही थी या शुरू से ही पढ़ने में तेज है? नहीं, शुरू से ही जो हम देख रहे हैं, जैसे मेरा भी घर बगल में ही है और शुरू से ही जब से देख रहे हैं तो संस्कार और पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में कहिए कि बेहतर है। जी, ये जो मुकाम हासिल किए हैं, इनके माता पिता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, इनके पेरेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, अपना फैमिली की तरह लगता है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अब हमारे साथ एक और हैं, नवोदय के सर हैं, प्रमोद सर हैं, और ये नवोदय के भी स्टूडेंट रह चुकी है, तो इसलिए जैसे ही इनको सूचना मिली तो ये भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ये भी धन्यवाद देने आ गए। तो सर स्वागत है सर मैं चल में आपका। मैं प्रमोद कुमार यादव, PGT हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय बारून औरंगाबाद से। बहुत ही गर्व की बात लगा मुझे कि हमारे नवोदय विद्यालय की अनमनि छात्र रह चुकी हैं, और इनका आपके माध्यम से पहले जो आपने इंटरव्यू लिया था इनका, बहुत ही बढ़िया इनका विचार लगा मुझे कि सारे युवा IAS बनना चाह रहा है, कोई IPS बनना चाह रहा है, कोई IIT बनना चाह रहा है, राजनीति में कौन जाएगा? राजनीति चाहिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र में लोक ही सबसे ऊपर है, राजनीति प्रमुख है। देश का भविष्य अगर सुधारना है, सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलना है, तो युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए। इनका जो विचार लगा बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ही गर्व की बात है हमारे नवोदय विद्यालय के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए राजनीति में जाना। वैसे ही प्रतिशत बहुत कम है, हाँ, खाली आरक्षण दे दिया गया है 1/3 नगर पंचायती राज में, बाकी विधानसभा लोकसभा में भी आरक्षण की जरूरत है महिलाओं को, ताकि उनको आगे बढ़ें और राजनीति में जाएं, अपनी योगदान, आधी आबादी अपना योगदान दे सके। जी सर, तो महिलाओं से जो है, महिलाएं सर हैं जो राजनीति में हैं, कितना सुरक्षित है सर? क्योंकि आए दिन महिलाओं के ऊपर लेकर सर तरह तरह की बातें की जाती है। पूरा सुरक्षित है, उनको कमज़ोर नहीं है, वो शक्ति हैं, स्त्रियों को शक्ति माना गया, इस देश ने सनातन संस्कृति ने इसकी पूजा की है, उनको बस मौका देने की ज़रूरत है और उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मौका मिलते हो समाज में, बहुत सी महिलाएं हैं देख रहे हैं समाज में बदलाव ला रही हैं, पायलट बन रही हैं, NDA CDS में जा रही हैं, सेना में जा रही हैं, तो इसी तरीके से जो है बहुत अच्छी बात लगा मुझे ये सुनकर कि ये राजनीतिक क्षेत्र में जिनका प्रोत्साहन था कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, राजनीति में भी जाना बहुत ज़रूरी है, वहीं से सुधार होगा। जी सर, क्या कुछ इनके लिए अंतिम संदेश देना चाहेंगे? इनको संदेश यही है कि आप इस तरह राजनीति में एक्टिव रहिए, पूरा वहाँ पटना यूनिवर्सिटी का जो भी समस्या है उसका समाधान करिए और अपने अंदर की जो योग्यता है उसको बढ़ाइए और लड़कियों को प्रोत्साहित करिए इस क्षेत्र में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। रंजन सर और प्रमोद सर दोनों आपके लिए काफ़ी कामना किए हैं, इन्हें कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने तहे दिल से इन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वही ये शिक्षक है जो कि समाज में चेंजिंग लाते हैं, इनके द्वारा ही हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, यही लोग हैं जो कि समाज को चेंज करने की जिम्मेवारी लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं मानती हूँ कि गुरु का दर्जा सर्वोपरि होता है और गुरु ही ऐसा एक माना गया है ब्रह्मांड में जो कि अपने विद्यार्थी को एक अच्छे मुकाम पे ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के सहयोग से ही मैं अपने इस गरिमा बनाए हुए हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे भी पटना में, राजधानी में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूँ और वहाँ भी पता चले कि यहाँ की लड़की, बारून की धरती की लड़की भी राजधानी में अपना परचम फहराए हुए है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।